नमस्कार किसान साथियों, गोट फार्म का हमारा वीडियो जो हमने बनाया हुआ था मनोज जी का, दोस्तों बहुत ही अच्छा वीडियो गया है। उसके बाद आज देखिए हम अपने किसान साथी के फार्म पे, जहाँ पे इन्होंने गोट फार्मिंग करी है, दोस्तों कौन से ब्रीड की गोट रखे हैं तथा किस प्रकार से पालन करते हैं, सफलता इसमें कितनी है कितनी नहीं है, दोस्तों सारी जानकारी हम उपलब्ध आप लोगों को कराने वाले हैं। क्योंकि थोड़ा सा खाली इसलिए लग रहा है कि अभी बकरीद बीती है, तो साथियों तो इन्होंने जो है बहुत सारे बकरी और खसी जो है वो सेल कर दिए हैं दोस्तों। तो आइए हम इनसे इनका परिचय लेते हैं पहले। तो भैया अपना एक परिचय। मेरा मोहम्मद वकील अंसारी, मेरा नाम है ग्राम रामगढ़, पोस्ट रामगढ़, जिला चंदौली। ये मेरा फार्म है। हाँ हाँ, अभी नया नया डाला हूँ। अच्छा, अभी नए डाले? नए डाले हैं। तो कितने बच्चों का ये जगह है आपका? इसमें बच्चे तो बहुत से आएंगे। हाँ हाँ, कम से कम मान के चलिए 100 बकरियों का फार्म बनाया हूँ। अच्छा, ये 100 बकरी का फार्म बनाया है। हाँ, एरिया कितना है भैया इसका? ये 40x40 है। 40 फुट लंबाई, 40 फुट चौड़ाई। हाँ, यानी 1600 वर्ग फीट का आपका है। हाँ, मान लीजिए ये दो मंजिला है। दो मंजिला है, नीचे आप जो है मुर्गी पालन? मुर्गी पालन। अच्छा अच्छा, ये दिख रही है मुर्गियाँ? मुर्गियाँ दिख रही है। जी जी जी, अच्छा, नीचे से ले लीजिएगा। हाँ, हम उसको नीचे से खींच लेंगे। तो भैया कौन कौन से ब्रीड की आप रखे हैं बकरी अपने? अभी फिलहाल में सब बकरीद का टाइम था, सब निकल गए। जी जी, अभी देसी में सब बचे हैं। सब देसी ही रखे हैं अभी? देसी हैं। ये तो बर्बरी कुछ लग रही है। हाँ, ये बर्बरी है, एक एक है, एक इधर भी बर्बरी है। आइए अंदर, आइए आइए। एक एक इधर बर्बरी है। जी हाँ, एक ये वाली भी है बर्बरी। हाँ, अच्छा अच्छा, वो आप देख रहे हैं कि ब्रीडिंग के लिए रखे हुए हैं बकरा। हाँ, वो कौन से नस्ल का है? वो भी बर्बरी का ही मिक्स है। मिक्स है। हाँ हाँ हाँ, प्योर बर्बरी नहीं है? नहीं, प्योर नहीं है। अच्छा अच्छा, तो इनका रख रखाव किस प्रकार करते हैं आप? इनको हम भूसी, हाँ, भूसा, हाँ, चोकर और चुन्नी, हाँ, ये मिक्स करके खिलाते हैं और दो चार घंटा चलाते हैं बाहर चलाने के लिए। अच्छा, बाहर चलाने के लिए? हाँ, अगल बगल खेत है तो उसी में आप छोड़ देते हैं चलने के लिए? अब नीचे मेरा जगह है, कम सात 7-8 बिस्सा। 7-8 बिस्सा। हाँ, उसमें छोड़ देते हैं, उसमें चलती है। हाँ हाँ, तो भैया सबसे बेहतर हमारे उत्तर प्रदेश के लिए, कह लीजिए वाराणसी के लिए, चंदौली के लिए, हाँ, सबसे बढ़िया नस्ल बकरी की कौन सी है? अगर आप बता पाए कि जैसे कौन सी रखनी चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। वैसे हमारे यहाँ क्या है ना, आप अपने यहाँ जो देसी क्वालिटी के हैं वही सक्सेस है, रखने के लिए तो आदमी बहुत रखते हैं। जी, क्या कि यहाँ के धरती के हैं, यहाँ के हवा पानी में सब घुल मिल जाती है। देसी ही रख? देसी। कई लोग कहते हैं बर्बरी रखने के लिए? नहीं, बर्बरी भी अच्छी है, बेहतर है, बर्बरी अच्छी है। हाँ, और बाकी से बिट्टल है, हाँ, तोता पर ये सिरोही है, सिरोही है, वो सुख नहीं बत्ती, ब्लैक बंगाल है। हाँ, वो सब नहीं ठीक, वो सब नहीं सही। खाने पीने में सुनते हैं? खाने पीने में सबसे बढ़िया बर्बरी है। बर्बरी सबसे बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा, इनमें कुछ FMR FMD का PPR का टीका वगैरह भी? हाँ, लगता है ना। हाँ, PPR लगाते हैं? हाँ, लगाते हैं। तो कैसे, मतलब कब लगाया जाता है ये? अभी जैसे कि बारिश का टाइम खत्म हो जाएगा। हाँ, तो उस टाइम लगाएंगे हम। तो बारिश के पहले क्या लगाते हैं आप इनको, कौन सा टीका? अभी फिलहाल में हाईटेक दिया हूँ। अच्छा, हाईटेक। हाँ, वो क्या है? उससे क्या है कि इनका लीवर सही रहेगा। हाँ, और उनका पाचन क्रिया सही रहेगा और खान पीन में भी सही रहेंगी। अच्छा अच्छा, इसके लिए देते हैं। अच्छा, हाईटेक दिए? हाईटेक, ठीक है। FMD का टीका कब दिया जाता है? और हाईटेक और FMD का, जैसे सर्दी जुकाम होता है उसके पहले? हाँ, दिया जाता है उनको। हाँ हाँ, दिया जाता है जाड़े के पहले। जाड़े के पहले दिया जाता है। PPR का टीका? PPR का टीका भी जाड़ा से पहले देते हैं। जी जी जी। तो अच्छा, ये बताइए कि बर्बरी जैसे किस लिए बेहतर है? हम सुनते हैं कि जैसे साल में, मतलब 14 महीने में मान लीजिए कि 2-2 बच्चे देती है, इस वजह से लोग कहते हैं कि बेहतर है। 14 महीने में 4 बच्चे दे देती है वो, ऐसा? हाँ, ऐसा है, कोई कोई बकरियां है 2 बच्चा देती है, कोई 4 देती है। हाँ, इसी के लिए आदमी बोलते हैं कि वो कम से कम 2-3 तो देगी ही देगी। देगी, इससे प्रॉफिट उसमें ज़्यादा होगा। ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो ज़्यादा बच्चे रहेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जी जी। और ये आप ले लीजिए सिरोही, तोतापरी, हाँ, जयपुरिया, जमुनापार, वो सब 1-2 बच्चे देती है। एक साल में 1-2 बच्चे देती है मुश्किल से। हाँ, इसके लिए उसको आदमी नहीं रखते हैं ज़्यादा। अच्छा, हमारे किसानों की, कई सारे बकरी पालकों की ये समस्या रहती है कि अगर बकरी हर बार 3-3 बच्चे दे देती है, हाँ, तो उनमें 3 में के 3 को जिलाना बहुत आसान, मतलब मुश्किल रहता है, मतलब उनको खिलाना पिलाना। बकरियों के क्या खान पीन सही रखेंगे तो दूध देगी, दूध देगी तो वो बच्चे जी जाएंगे। हाँ, नहीं देती है तो वही मर जाते हैं। मर जाते हैं। जी, तो बेहतर आप किसे मानते हैं, 3 बच्चों को या 2 बच्चों को? 2 बच्चे को। 2 बच्चे सबसे बेहतर? 2 बच्चे, ठीक है। अच्छा, कितने दांत के हो जाए तो उनको बेच देना बेहतर होता है? क्या बताएं,
अरे दांत क्या है जिसको छोटे कोई कोई यहाँ क्या है सो आदमी गांव देहात में सोते हैं कम पैसे में मिल जाए तो छोटे बच्चे ले लेते हैं, किसी को गाभिन चाहती तो गाभी ले जाते हैं, किसी को बकरी बच्चा दिया है वो ले जाते हैं, जिसको जैसा जरूरत ले जाते हैं अपना ले जाते हैं। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि दो तीन दांत के होंगे तभी ले जाएंगे। हाँ, कुर्बानी के लिए ले जाते हैं दांत दे के बकरा, कुर्बानी में दांत दे के दांत ले जी जी। अच्छा, कई लोग मानते हैं कि जैसे कि पालक बकरी पालक मानते हैं भैया कि हम बकरी को जो है अगर हम 20 किलो 40 किलो वजन का करके मतलब बकरे को बेचेंगे तो हमारा लागत उसमें कुछ गिरता है। हाँ? बचत भी होता है लेकिन लागत गिरता है। हाँ? अगर वही बच्चा हम 6 महीने 7 महीने का होता है 8 महीने का होता है बेच देते हैं तो उसमें हमको प्रॉफिट मिल जाता है और वो बच्चा दूध पे 6 महीने 5 महीने तक तो दूध पे ही जिंदा रहता है। उसमें प्रॉफिट क्या प्रॉफिट है उसमें क्या प्रॉफिट है जो खान पीन में हम लगाते हैं वो तो हमारा बच जाता है। अब साल भर रख के उसको खिलाएंगे पिलाएंगे हो सकता है बीमारी आए मर जाए, इससे अच्छा अच्छा छह महीने में कोई मिल गया उसको दे देते हैं अपना पैसा बच जाएगा। अच्छा पैसा मिल जाता है। अच्छा पैसा मिल जाता है जी जी। तो कब फार्म शुरू किए थे आप? अभी तो एक साल भी नहीं हुआ है। एक साल भी नहीं हुआ नहीं, नहीं। तो मतलब ठीक है ये गोट फार्म किया जा सकता है? हाँ किया जा सकता है, बढ़िया है जी जी। तो सबसे पहले इसमें जैसे कि होता है कि टिन सेट वगैरह की व्यवस्था कर लीजिए आप जी। अच्छा गर्मी, इनको गर्मी में ज्यादा दिक्कत होता है कि अधिक जाड़ा पड़ता है तब दिक्कत? इनको ठंडी में दिक्कत पड़ती है, गर्मी से कोई दिक्कत? गर्मी से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं चारों तरफ से खुला है एकदम, हवा ठंडी ठंडी हवा आ रहा है जी। गर्मी में कोई दिक्कत है ही नहीं। अब ठंडी में आप करेंगे क्या? मुझे लग रहा है तिरपाल वगैरह से बाहर से, ये जो तिरपाल है ना इसको ऊपर जो देख रहे हैं ना जी, ऊपर से पूरा पैक कर देंगे चारों तरफ से ताकि हवा ना, हवा नहीं आएगा, ठंडी लगेगा नहीं। उसके बाद बल्ब वल्ब की कुछ हीट लगाए सब ना, सब व्यवस्था किए है जी जी। अच्छा इसके पीछे क्या टेक्निक है भैया कि ऊपर गोट फार्म नीचे मुर्गी फार्म, इसके पीछे क्या टेक्निक है? ये मैं बनाया था इस मकसद से जैसे मान लो एक गांव देहात है, इधर कभी गंगा जी का पानी आ जाए बाढ़ आ जाता है। अच्छा बाढ़ आता है, बाढ़ आ जाता है तो हो सकता है कभी ज्यादा आ जाए तो दिक्कत नहीं होगा, हमारी बकरी ऊपर रहेंगी। अच्छा ऊपर रहे। अभी फिलहाल में नीचे खाली है, मुर्गी डाल दिया हूँ। डाल दिए हैं आप, ऐसे ही फालतू जमीन पड़ा रहेगा, ये सबसे बेहतर तरीका है ये। हाँ तो दोस्तों आपने सुना, बहुत ही अच्छी बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी है भाई साहब ने। और सबसे बड़ी खासियत दोस्तों की यदि आप रखते हैं बर्बरी नस्ल की बकरी तो इसकी खासियत यह दोस्तों कि यह बेसिकली आप लोग जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश की नस्ल है तो सबसे बेहतर इसकी यही खासियत होती है कि अच्छा 14-15 महीने में दो दो बच्चे देती है, यानी कि एक साल में मान लीजिए या 14 महीने में रख लीजिए 4 बच्चे देती है तो बहुत तेज़ी से इसके बच्चों में ग्रोथ भी होता है, दूध भी अच्छी खासी देती है, हरा चारा पर भी जीवित रह जाती है। और यदि आपको हरे चारे पर जीवित रखना है दोस्तों तो आपका खर्च और कम गिरेगा कॉस्ट पर, क्यों भैया? हाँ सही, अगर आप खली चुनी पे रखते हैं तो कॉस्ट गिरेगा, सीधी सी बात है तो गिरेगा ही ना जी। तो लगभग कितना गिर जाता है एक बकरी पे कॉस्ट, कुछ अंदाज है आपको? अभी हम एक एक बोरी चुनी, एक बोरा चोकर, एक बोरी भूसी जी लाते हैं और भूसा मिला के देते हैं। हाँ। महीना भर भी नहीं चलता है, महीना भी नहीं चलता है, मुश्किल से 15 है मेरा जी। और यदि हरा चारा की व्यवस्था रहे, इनको चराई वराई पे अगर जिंदा रखना रहे तो बहुत कास्ट जीरो गिरेगा आपका, एकदम पैसा बचेगा ना, सीधे सीधे पैसा बच जाएगा। और अच्छा भी रहता है, हरा चारा खाएं तो स्वस्थ भी रहती हैं बकरियां जी। यही सब चीज़ें हैं दोस्तों, तो आप लोग जानते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से किया जाना चाहिए। अगर आप लोगों को और अधिक जानकारी चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, तो आप हमें कमेंट करिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिए, लाइक करिए दोस्तों, और शेयर भी करिए अपने साथियों से जो भी नए पशु पालन करना चाहते हैं बकरी पालन, हम उनकी पूरी मदद करेंगे। अच्छा बकरी भी करते हैं क्या? हाँ करते हैं ना, उपलब्ध होगा तो दे देंगे। हाँ दे देंगे। ठीक है, कौन कौन सी नस्ल एक बार बता दीजिए? हमारे यहाँ बर्बरी है जी, देसी है। हाँ अभी बिटल का था निकल, मतलब बिक गया, फिर बिटल लाने वाले हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है भैया, तब धन्यवाद भैया, धन्यवाद।